अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद इस्मा सलीम चैनल। आज मैं आपके लिए मशहूर कराची स्टाइल की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1 kg के करीब चिकन लिया, जिसको बड़े पीसों में कटवा लिया। 3 बड़े साइज के टमाटर, और इधर मसालों में 1 tablespoon ज़ीरा पाउडर, 1 tablespoon लाल मिर्ची, 1 tablespoon धनिया पाउडर, यहाँ नमक, 1 tablespoon कसूरी मेथी, 1/2 teaspoon के करीब हल्दी, यहाँ गरम मसाला, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चों को काट लिया है मैंने, 2 tablespoon के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, गार्निशिंग के लिए हरा लहसुन, हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक, और साथ में 100 ग्राम के करीब दही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालते हैं। कुकिंग ऑयल का कोई फार्मूला नहीं, आप अपने चॉइस के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसका गर्म होने का इंतजार करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद हम इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चिकन हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसको डाल के साथ ही फ्राई करेंगे हल्का सा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छा सा भून लिया, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने टमाटरों के छिलके रिमूव कर लिए हैं। अगर आप पहले कर सकें तो ठीक है, ना कर सकें तो ऐसे ही डाल दें, बाद में फिर रिमूव कर लीजिएगा। देखिए कढ़ाई बन रही है। हमने इसको टमाटर डाल के थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। कुछ टमाटर तो गल चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं, वो हम जैसे जैसे मसाले ऐड करते जाएंगे, पकते जाएंगे, ये खुद ब खुद पक जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम साथ ही थोड़ा बहुत मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लाल मिर्चें, फिर धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon के करीब हल्दी, 0 ज़ीरा पाउडर। ये डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से हिला देंगे। अभी मैंने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया, नमक नहीं डाला अभी मैंने। अब हम फिर इसको अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए रखकर 5-10 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और पक जाएं। 2-3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब हम गैस को थोड़ा स्लो करने के बाद इसमें दही को ऐड कर देंगे। बहुत सारे लोग दही के साथ क्रीम भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दही ही ऐड करूंगी। 2-3 मिनट के लिए गैस को हल्का ही रखेंगे, ताकि हमारा दही फट ना जाए और हमारी कढ़ाई खराब ना हो जाए। अब दही ऐड करने के बाद दही ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हम इसे थोड़ा सा गैस तेज़ करके पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन की जो पीसेज हैं वो टूटे नहीं और हमारी कढ़ाई ख़राब ना हो। और साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, और साथ ही
थोड़ी कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पर ही थोड़ा थोड़ा सा पकाएंगे। चिकन अच्छे तरीके से पक रहा है, थोड़ा सा गैस को हाई रखना है ताकि हमारे चिकन के पीसेस टूटे ना और हमारी कढ़ाई ख़राब ना हो। माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बन रही है। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा निकाल भी सकते हैं। चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुका है लेकिन टूटा बिल्कुल भी नहीं है। यही कढ़ाई की खासियत होती है कि उसमें चिकन को टूटना नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम इसके फाइनल लुक की तरफ। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ में ही दो छोटी हरी मिर्चें कटी हुई यूज करेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और साथ में थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरी रेसिपीज को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से दम आ चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बनकर तैयार है। कराची स्टाइल चिकन कढ़ाई बनकर तैयार है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।